प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक मंच से खूंटी और सिंहभूम दोनों सीटों के लिए उन्होंने वोट मांगा है और यहां पर सीधे सीधे आकर हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है और उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की कि दिल्ली से ज्यादा करीब झारखंड है उनके लिए और झारखंड बेहद करीब है। तमाम जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या जनजातीय गौरव दिवस, उसकी शुरुआत भी झारखंड की धरती से ही उन्होंने की है। और ये भी उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा, इन दोनों को विजयी बनाएं और इस इलाके को मजबूत करें, देश को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने ये भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आज़ादी का पूरा श्रेय परिवार को देती है। बिरसा के जन्मदिन पर गौरव दिवस की शुरुआत उन्होंने की है और बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है। गीता कोड़ा के प्रचार के लिए यहाँ पहुँचे थे सिंहभूम में प्रधानमंत्री, जहाँ से उन्होंने खूंटी सीट को भी साधा है और अर्जुन मुंडा जो कि मंच पर मौजूद थे, उन्होंने अर्जुन मुंडा के लिए भी वोट अपील की है और तमाम उन चीज़ों का जिक्र किया जिनकी शुरुआत झारखंड की धरती से हुई है केंद्रीय योजनाओं की, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या फिर पीएम जनधन योजना हो, डिजिटल योजना की शुरुआत। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा का दिल से नाता है झारखंड और भाजपा का, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि मेरे लिए दिल्ली से बढ़कर झारखंड है। चूंकि आदिवासी स्टेट है तो यहाँ पर आदिवासियों को भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी महिला देश के शीर्ष कुर्सी पर बैठी हुई हैं और झारखंड उनके कितना करीब रहा है, इस पर भी प्रधानमंत्री बताते हुए नजर आए, काफ़ी खुश नजर आई। जो सिंहभूम के प्रत्याशी हैं गीता कोड़ा और खूंटी से अर्जुन मुंडा, दोनों ही मंच से प्रधानमंत्री ने उन दोनों के लिए वोट अपील की है। लेकिन इस दौरे से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से इन दोनों सीटों पर क्या फर्क पड़ने वाला है? पहले जो समीकरण था उस समीकरण में क्या अब जो भाजपा कैंडिडेट हैं, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आज प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए, सोरेन परिवार को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने ये भी किया कि सेना की जमीन तक ये लोग नहीं छोड़ते, तो सीधे सीधे ये सोरेन परिवार पर इशारा था और ये बताने की कोशिश थी कि भाजपा ही आदिवासियों की हितैषी है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन। रंजन जी, प्रधानमंत्री का ये दौरा झारखंड में, लोकसभा चुनाव चूंकि अब 13 मई से यहां पर भी चुनाव की शुरुआत हो रही है, कितना अहमियत रखता है? देखिए, प्रधानमंत्री जब आज सिंहभूम आए, चाईबासा आए और उन्होंने मंच से सभा को संबोधित किया, तो आप मानकर चलिए कि जो बातें प्रधानमंत्री ने आज कही वो अब इस झारखंड चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव झारखंड में होना है, उसके लिए वो एजेंडा सेट कर गए। अब उसी के आधार पर ये चुनाव जो है अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसके बाद जैसा कि राहुल गांधी को भी आना है 7 तारीख को, तो वो इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए आपको दिखेंगे। तो जो एजेंडा सेट करना था प्रधानमंत्री को, वो एजेंडा उन्होंने आज सिंहभूम में सेट कर दिया है। और देखिए, जो एक खास बात है कि मोदी अगर कहीं जाते हैं तो देखिए, भाजपा प्रत्याशी को जितने वोट मिल रहे होते हैं उसमें आप जो है कुछ और वोट प्रतिशत को एड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि वो मोदी मैजिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जिस तरह का संवाद करते हैं, जो वहां पर उपस्थित जनसमूह होता है वो कमाल का है, और उनकी जो ओरेटिंग कैपेसिटी है या जो एक जनता के साथ संवाद स्थापित करने का तरीका है वो बहुत ही लाजवाब है। और जैसा आपने आज देखा कि सिंहभूम में जब वो संबोधित कर रहे थे तो वो जैसे कि बातचीत कर रहे हो, क्या आप किसी को यहां लूटने देंगे, फिर जनता उसका जवाब देती है, वो सवाल पूछते हैं और जनता जवाब देती है, तो जनता उनके भाषण से जुड़ जाती है या यूं कह लें कि उनके भाषण का हिस्सा हो जाती है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है। और नरेंद्र मोदी जब अब ये आए यहां पर, और देखिए उनके शब्दों पर आप जाएं, देखिए जब वो कहती है कि बहन गीता कोड़ा को जिताएं, और उसके बाद जब अर्जुन मुंडा की बारी आती है तो वो कहते हैं मेरे साथी अर्जुन मुंडा, तो वो साथी शब्द का यूज जो है वो अर्जुन मुंडा के लिए करते हैं, जो ये बताता है कि उन्हें वो एक साथी के तौर पर जो है वो देखते हैं, क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हर शब्द बहुत नपातुला होता है, बहुत सोच करके वो बातों को बोलते हैं, उसके पीछे होमवर्क दिखता है। खास बात ये है कि आप प्रधानमंत्री
का कोई भी भाषण उठा लीजिए, किसी भी मौके पर उठा लीजिए, उसमें आपको जो है होमवर्क दिखेगा। उन्हें पता था कि वो किस सीट पर जो है अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आए हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ जो सीट है, चाहे वो सिंहभूम की सीट हो या आपको खूंटी की सीट हो, दोनों ही जगह जो है आदिवासी आबादी जो है वो 60% से ज्यादा है। तो जब वो भाषण देते हैं तो बात वो आदिवासियों की करते हैं, वो इन चीजों को उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। झारखंड अलग राज्य बना तब जो है केंद्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो भाजपा ये क्रेडिट हमेशा लेती रही है कि जो झारखंड का अलग निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो ये करने का जो श्रेय है वो अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है और इसलिए भाजपा को जाता है। जब वो कहते हैं कि आदिवासियों के लिए एक अलग से जनजातीय मंत्रालय जो है किसने बनाया, वो पूछते हैं जनता से और फिर जवाब आता है बीजेपी ने, फिर वो बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही जो है वो पहली बार जनजातीय मंत्रालय बनाया। वो ये बताना भी नहीं बोलते कि जो जनजातीय गौरव दिवस है, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाने की घोषणा जो है वो मोदी सरकार ने की है। तो वो कनेक्ट करते हुए आपको दिखते हैं और वो उन सवालों के जवाब देते हुए भी दिखते हैं जो आपको अन्य अन्य क्षेत्रों में जो है कांग्रेस उनसे पूछती है। जिन सवालों को कांग्रेस उनसे पूछती है वो उसी के जरिए जो है सामने विपक्ष पर हमला करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष जो है हमेशा संविधान की बात करता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संविधान पर विपक्ष को घेरने का प्रयास करते हैं और वो कहते भी हैं कि आज जो विपक्ष के नेता हैं वो सर पर जो है वो संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा, संविधान आपको मानना होगा। और यहां से वो आरक्षण में जाते हैं, कर्नाटक का उदाहरण देते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कर्नाटक है वहां पर सारे मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया है और अब ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें जो है मुस्लिमों को हिस्सा मिलेगा। तो वो यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है उसका नुकसान जो है वो ओबीसी को ही उठाना पड़ेगा। और फिर वो कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मैं संविधान से किसी को खेलने नहीं दूंगा, मैं संविधान में जो आरक्षण है आदिवासियों का जो आरक्षण है वो उन्हीं को मिलेगा, मैं उसमें से आरक्षण कटने नहीं दूंगा। वो ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण ओबीसी को ही मिलेगा, मैं मुस्लिमों को नहीं मिलने दूंगा, मतलब वो आरक्षण ओबीसी के ही पास रहे। दलितों के आरक्षण के लिए भी यही बात कहते हैं। तो जो आरक्षण और संविधान के विषय पर विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करता रहा है, अब उसी को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर वार कर रहे हैं। और इसके अलावा आसिया जी, आपने जैसे कि शुरुआत में बात की कि प्रधानमंत्री ने जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार पर बात की और वो कहते हैं कि देखिए जो कांग्रेस है और जो जेएमएम है उसमें भ्रष्टाचार की रेस लगी हुई है। उन्होंने सांसद का तो नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए निकले और वो ये कहना भी नहीं भूलते हैं कि बैंकों से जो पैसे गिनने की मशीन बनाई गई तो वो मशीनें जो है वो हांफने लगी, इतना पैसा था। वो झारखंड में जो जेएमएम की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसके बारे में बात की और फिर लोगों से पूछा कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। तो कुल मिलाकर मोदी ने एक एजेंडा जो है आप कह लीजिए वो सेट किया, जहां पर विपक्ष को पर आरोप लगाए, वहीं दूसरी तरफ आप देखती हैं कि उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाने में भी जो है कोई कोताही नहीं बरती और उन्होंने सारी योजनाओं को गिनाया भी। वो चाहे मुद्रा योजना हो, आदिवासियों के लिए योजना हो, यहां तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात उन्होंने छेड़ दी और कहा कि क्यों नहीं, जो आदिवासी है क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता,
इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि अंग्रेजी में जो है वो पढ़ाई होती थी, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया कि अब स्थानीय भाषा में भी पढ़ाई होगी इन विषय, चाहे वो डॉक्टरी हो या इंजीनियरिंग हो। तो एक तरह से जो कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने वो गए थे उसे उन्होंने एड्रेस किया और जो एजेंडा उन्हें सेट करके जाना था, अब इसी एजेंडे के इर्द गिर्द झारखंड में कम से कम पहले फेज का चुनाव जो झारखंड का है वो अब इसी एजेंडे के पहले फेज में जिन सीटों को तारते हुए नजर आए प्रधानमंत्री, उन पर हम चर्चा करेंगे रंजन जी। लेकिन एक बात, जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठाकर प्रधानमंत्री को या बीजेपी को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री अपने मंच से अपने ही पक्ष में कर लेते हैं, ये खासियत है। जी हाँ बिल्कुल, और जैसा मैंने आपको कहा कि देखिए एक जो सवाल हमेशा बीजेपी पर उठता है, और जब इस बार 2024 में लोकसभा का कैंपेन शुरू हुआ तो आप देखिएगा कि विपक्ष का अस्त्र क्या था। उन्होंने कहा कि मोदी अब की बार 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। ये बातें विपक्ष की ओर से आई, अब उसे ही उन्होंने अपना हथियार बना लिया और वो कर्नाटक का उदाहरण देकर कहते कि चूंकि वहां ओबीसी में मुस्लिमों को शामिल किया गया है तो यह संविधान बदलने की जो है वो प्रक्रिया है, और वो कहते हैं कि ये आरक्षण जिन्हें मिलना चाहिए था उसे नहीं मिलेगा ऐसा करने से, और मैं संविधान बदलने नहीं दूंगा। तो अब वो संविधान के रक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी और खुद को जो है वो रख रहे हैं कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। इसके अलावा भाजपा पर या जो एनडीए गठबंधन है उस पर कई बार विपक्ष जो है आरक्षण को लेकर आरोप करता रहा है, तो उसका भी जवाब उन्होंने इसी मुद्दे के जरिए इस संविधान वाले मामले में ही लपेट कर दे दिया कि संविधान तो जब तक मैं हूं, और बल्कि कई सभाओं में तो वो कहते हैं कि ये जो आरक्षण है अब अगर खुद बाबा साहब भी आ जाए तो वो इस आरक्षण को जो है खत्म नहीं कर सकते। तो वो इस बात की श्योरिटी भी देते हैं कि आरक्षण रहेगा, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इनके आरक्षण को मैं किसी को हड़पने भी नहीं दूंगा, जिनके हिस्से का जो आरक्षण है वो उन्हें मिलेगा। तो यही नरेंद्र मोदी की जो है वो खासियत है कि वो अपने भाषणों के जरिए जो है विपक्ष के मुद्दे को भी अपने पाले में कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं विपक्ष के ऊपर हमले करने में, और यही हमने सिंहभूम में देखा भी। बिल्कुल।